सिंगरौली में अमृत नल जल योजना के तहत होने वाली पानी की सप्लाई 2 दिन से बंद पड़ी है। पानी की सप्लाई एनसीएल द्वारा कराए जा रहे रोड निर्माण कार्य के दौरान पाइप फटने के कारण बंद हुई है। इस सप्लाई के रुकने से जनता काफी परेशान है। सिंगरौली के मोरबा क्षेत्र में एनसीएल द्वारा कराए जा रहे कार्य के कारण अमृत नल जल योजना का पाइप फट गया, जिस वजह से विभिन्न वार्डों की पानी सप्लाई बंद हो गई। वार्डवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इस मसले पर NH-39 रोड निर्माण तिरुपति बिल्डकॉन के लाइनिंग मैनेजर भूपति द्विवेदी ने बताया कि नगर निगम द्वारा जो अमृत जल नल योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है वो रोड सीमा के अंदर है, जिस वजह से रोड निर्माण में काफ़ी कठिनाइयां आ रही हैं। अतः हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम अमृत नल जल योजना की पाइपलाइन निर्माणाधीन रोड की सीमा के बाहर लगाएगा। ये NH रोड बन रही थी तो उसमें EPC द्वारा थोड़ा सा माप दिया गया है, जिससे जो है पानी तो कल शाम को 6 बजे तक प्रभावित तो हो रहा है। पानी अभी बनाने में लगे हुए हैं, हो सकता है 2 घंटे में बन जाए। रोड निर्माण भी एक भारत सरकार की बहुत प्रतीक्षित योजना है और खासकर मोरवा में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा ROW एरिया के अंदर पाइपलाइन नगर निगम की लगी हुई है, जिसको या तो इन्हें शिफ्ट करना होगा तभी हम रोड का काम कर पाएंगे, अन्यथा या तो रोड का काम प्रभावित होगा या फिर आपकी जल प्रवाह का काम प्रभावित होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।